हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैंने आपको इस वीडियो में मंगल उदय के बारे में कुछ बातें बतानी हैं। जो मार्स प्लेनेट है, राइज ऑफ मार्स प्लेनेट यानी कि मंगल का उदय हो रहा है। 17 अगस्त 2021 से अस्त चल रहा मंगल जो है वो इस बार 29 नवंबर 2021 को उदय हो रहा है। इसके साथ 5 दिसंबर 2021 को मंगल अपनी राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मंगल उदय के बारे में। तो 17 अगस्त 2021 से अस्त चल रहा मंगल तो मित्रों सिंह राशि में ये अस्त हुआ था और तुला राशि में उदय हो रहा है। यानी इसी 29 नवंबर 2021 को मंगल उदय हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीनों के बाद यानी आफ्टर 4 मंथ राइज ऑफ मार्स प्लेनेट यानी मंगल उदय हो रहा है। मंगल उदय होने से जो लोग पिछले 4 महीनों से किसी भी वजह से परेशान थे, वो चाहे हेल्थ से, आर्थिक रूप से या किसी अन्य वजह से परेशान थे, उन लोगों की परेशानियां काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी मंगल के उदय होने से। और मंगल उदय होगा इसके बाद 5 दिसंबर 2021 को मंगल अपनी राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा यानी कि स्कॉर्पियो में प्रवेश करेगा। तो मंगल के स्कॉर्पियो में आने से भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 इसमें मंगल वृश्चिक राशि में रहेगा, स्कॉर्पियो में रहेगा। ये इसकी अपनी राशि है। मंगल के वृश्चिक राशि में आने से भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित बाजार में कुछ उत्साह दिखाई देगा। और जिन व्यक्तियों का कोई मामला, कोई मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो लोग काफ़ी समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं परंतु वह बिक नहीं रही, उनके लिए ये समय काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। यानी 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 तक का समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। और जिन व्यक्तियों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में प्रयास करना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद को सुलझाने का प्रयास जरूर करें। इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। वृश्चिक राशि में आने पर मंगल यहां सूर्य, केतु और बुध से मिलेगा, जिस पर राहु की सप्तम दृष्टि होगी मित्रों। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपकी राशि पर उसका क्या इफेक्ट रहेगा, यानी सभी 12 राशियों पर उसका क्या असर रह सकता है। सबसे पहली राशि मेष है दोस्तों। इसी राशि का स्वामी मंगल होता है, यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल अपनी राशि में आ रहा है यानी कि इस राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के अष्टम भाव में आएगा, 8th हाउस में आएगा। तो 8th हाउस का स्वामी 8वें भाव में, ये स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है। अचानक आपको कोई लाभ हो सकता है, रुका पैसा मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति जरूर सजग रहें, सचेत जरूर रहें। अगली राशि वृष है दोस्तों। वृष राशि के सप्तम घर में यानी कि 7th हाउस में विवाहिक स्थान पे, दाम्पत्य स्थान पर मंगल का भ्रमण होगा। ये समय कुछ ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अशांति का वातावरण रह सकता है। किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और रोजगार में आपको फायदा जरूर हो सकता है। अगली राशि मिथुन है दोस्तों। मिथुन के 6वें घर में मंगल का भ्रमण होगा। वृश्चिक राशि का मंगल 6th हाउस में रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रहें, अलर्ट रहें, परंतु शत्रु पक्ष पर विजय मिल सकती है। शत्रु और कोर्ट कचहरी के विवादों से भी आपको राहत मिलने की उम्मीद रहेगी, परंतु किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली राशि है कर्क। इसके 5वें घर में, इसके 5th हाउस में वृश्चिक राशि के मंगल का भ्रमण रहेगा। संतान के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जो लोग
स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, खेल कूद में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये समय काफी ठीक रहेगा। 5 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 तक का समय स्पोर्ट्समैन के लिए, जिनकी कर्क राशि है उनके लिए ये समय काफी पॉजिटिव रह सकता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफी ठीक है। अगली राशि सिंह है दोस्तों, इसके चतुर्थ भाव में यानी फोर्थ हाउस में स्वराशि मंगल रहेगा। भूमि से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, नया मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बन सकती है। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद सुलझने की काफी संभावना रहेगी। अगली राशि कन्या है, इसके तीसरे भाव में, इसके थर्ड हाउस में मंगल का भ्रमण रहेगा। ये पोजीशन काफी ठीक है, मेहनत का फल मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, परंतु किसी भी प्रकार से अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। वो इसलिए कि अपनों पर क्रोध करने से आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना रहेगी। अगली राशि तुला है दोस्तों, तुला के सेकंड भाव में मंगल का भ्रमण रहेगा। स्वराशि मंगल रहेगा तो धन भाव में मंगल का भ्रमण फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, रुका धन मिल सकता है, पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। परिवार में जो अशांति का वातावरण था वह वातावरण भी आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। अगली राशि वृश्चिक है, वृश्चिक के पहले घर में मंगल का भ्रमण रहेगा, घमंड और क्रोध से दूर रहें, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे और स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई मुश्किलें चल रही थी तो वह मुश्किलें भी अब आपकी समाप्त हो सकती है। अगली राशि धनु है, इसके बारहवें घर में मंगल का भ्रमण रहेगा। स्वराशि मंगल है परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अनावश्यक किसी से विवाद मत करें, झगड़ा लड़ाई इन बातों से दूर रहें, वरना आपको अदालती मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगली राशि मकर है, मकर के 11वें घर में 11th हाउस में मंगल का भ्रमण रहेगा। स्वराशि मंगल है, आय भाव का स्वामी आय भाव में रहेगा, रुका धन मिलेगा, पैसा आपको कहीं से मिल सकता है, आपका व्यापार भी ठीक चलने लगेगा। और अगली राशि कुंभ, इसके राज्य घर में यानी कि दशम भाव में, इसके दशम घर में मंगल का भ्रमण है, व्यापारिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, व्यापार के मामलों में ये समय काफी ठीक रहेगा। भूमि से संबंधित भी आपको कोई लाभ हो सकता है, समाज में मान सम्मान मिलेगा। अंतिम राशि मीन है दोस्तों, मीन राशि के भाग्य घर में स्वराशि मंगल का भ्रमण रहेगा। पिता के लिए ये स्थिति काफी ठीक है, भाग्य के सहारे किया गया काम आपको सफलता दे सकता है, मेहनत का फल मिलेगा। जिन लोगों से आपने पैसा लेना है कुछ प्रयास करने से आपका धन आपको मिल सकता है। तो ये था मित्रों वृश्चिक राशि में मंगल के प्रवेश पर आपकी राशि पर फल क्या मिलेगा। और जिन राशि वालों के लिए मंगल अशुभ है उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हर मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को इजाजत दें, अगले वीडियो में फिर आपको कोई नई ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई जानकारी दूंगा। सादर नमस्कार।